The मिनिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा the rod is. तो देखो यहाँ पे हम लोग का इसको हम लोग वर्टिकल एक एक्सिस के अबाउट आ, हम लोग इसको रोटेट करवा रहे हैं कितना है ओमेगा ठीक है ये जो एल शेप रॉट का जो इस पार्ट तक मतलब वर्टिकल रॉट तक जो लेंथ है वो है हम लोग का आर या फिर हम लोग का रेडियस ऑफ रोटेशन भी हम कह सकते हैं स्लीव का ना स्लीव जो है इसका मास है मिनिमम होगा फॉर स्लीव कैन नॉट ऑन द रॉड अगर हम लोग इस स्लीव का एफबीडी बनाए तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लगता है लग रहा है हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग का है ऐसे स्लीव नाउ स्लीव में क्या हो रहा है जो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहे तो अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहे तो उसमें ऑब्वियसली उसका मतलब और ये एक यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ ये मूव कर रहे हैं ठीक है ओमेगा

मिनिमम एंगुलर स्पीड जिसके लिए स्लीव कैन नॉट स्लिप द रॉड तो जो स्लीव है वो रॉड में स्लिप तब करेगा जब हम लोग उसका नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है एम जी बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर स्लिपिंग ये हम लोग कंडीशन फॉर स्लिपिंग है फॉर स्लिपिंग द कंडीशन इज एम जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्लीव नाउ फॉर नॉट फॉर uh, मतलब यहाँ पे हम लोग का स्लीव मिनिमम एंगुलर स्पीड फॉर विच स्लिप स्लीव के नॉट स्लीप तो फॉर नॉट स्लीपिंग कंडीशन क्या होगा फॉर नॉट स्ली कंडीशन होगा हम लोग एम जी इज लेस देन एफ एस मैक्स ठीक है तो एम जी इज लेस देन एफ एस मैक्स जो है मैक्सिम सेटिफिकॉडी वो होता है हम लोग का म्यू जहा म्यू है

ग्रेटर देन जी ठीक है तो यहां से हम लोग ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी बायूआर तो ओमेगा जो है इट मज बी ग्रेटर देन रूट ओवर जी बायूआर तो इस हिसाब से हम लोग का जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन में क्या पूछा था मिनिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा हम लोग का क्या हो सकता है ओमेगा मिनिमम जो है

आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर